हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान पर हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में पूरे दिन गिरावट रही और बाजार लाल निशान पर ही बंद हुआ। तो दिन भर कैसा रहा बाजार का हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। देश और दुनिया में कोरोना वायरस महामारी ने हाहाकार मचाया हुआ है, जिसका असर साफ तौर पर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है। इसी दबाव के बीच आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान से हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 268 अंक नीचे 34,903 के स्तर पर खुला और निफ्टी 91 अंकों की गिरावट के साथ 10,291 के स्तर पर खुला। दिन भर के कारोबार के अंत में सेंसेक्स 209 अंकों की गिरावट के साथ 34,961 अंकों पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70 पॉइंट लुढ़क कर 10,312 अंकों पर बंद हुआ। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज FMCG और फार्मा के ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान पर खुले। इनमें मीडिया, ऑटो, मेटल, बैंक, प्राइवेट बैंक, IT और PSU बैंक शामिल हैं। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज ITC, इंफ्राटेल, एशियन पेंट्स, IOC, NTPC, सिप्ला और डॉक्टर रेडी के शेयर बढ़त पर खुले थे। वहीं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, बजाज ऑटो, हिंडालको, जी लिमिटेड और SBI के शेयर गिरावट में रहे। एशियाई बाजारों में भी आज गिरावट का माहौल रहा। सिंगापुर का SGX निफ्टी 164 अंक, जापान का निक्केई 453.51 अंक, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 287 अंक, जकार्ता कंपोजिट 10 अंक और शंघाई कंपोजिट 22 अंक नीचे रहे। DB लाइव की रिपोर्ट।